क्या कह रहे हैं शुएब? ओ शाहजेब के अब्बा, छोटी बोतल दे, छोटी बोतल दू वो यहाँ है अंदर है जहाँ इसका दूध रखा हुआ है ना बड़ी वाला वहाँ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये मैं आपकी क्लिप बना रही थी जब से। अच्छा जी, दूध की दवा क्या है ये आपके हाथ में? तो नाजरीन देखें, ये है शाहजेब। शाहजेब की सेहत माशाल्लाह से अच्छी हो रही है उस टोटके से। अच्छा मैं सबको पहले बता दूंगी मैं सेरेलेक मिलाती कैसे हूँ, ये बंद करना जरा। जब वो सब समझ रहे थे कि मैं डायरेक्ट सेरेलेक खिला रही हूँ शाहजेब को दूध के डब्बे। चलो देख के जरा। अस्सलाम वालेकुम शाहजेब, हो कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? अल्लाह अल्लाह, नानी के जा रहे हो भाई? माशाल्लाह बोलो सब, माशाल्लाह बोलो। ये देखो भाई, ये एक पूरा बॉक्स है ना, तो इस पूरे बॉक्स के अंदर इतना जो है फॉर्मूला मिल्क होता है पूरा, और इतना सा जो है ना सेरेलेक है, इसके अंदर मिला के जो है ना मैं इसको दे रही हूँ सेरेलेक। सबको लगता है डायरेक्ट खिला रही हूँ मैं इस स्पून और कटोरी में बना के। नहीं, नहीं। कितना खुश है भाई, नानी के घर जा रहा है। इस उम्र से भी बच्चे खुश होते हैं नानी के घर जाने के लिए। इसका रुमाल और कई लोग NL33 दे दे दूध, NL33 हाँ मत दे देना, ये बस बॉक्स है मेरे पास। दिखाते हैं वो एप्टामिल का बॉक्स, एप्टामिल लैक्टोजिन, पता नहीं कौन कौन से हम ट्राई कर रहे हैं। इतना दूध होता है, दूध कोई भी हो इतना, इतना सेरेलेक इतना और बाकी दूध, मतलब 20-30% बस सेरेलेक। शाहजेब कहाँ जा रहे हो? नानी के घर हो? शाहजेब नानी के घर जा रहे हो? स्माइल करके दिखाओ मुन्ना, मुन्ना मुन्ना तो जोर लगा रहा है। नहीं शाहजेब मैं पूरी तैयार हूँ, अब मत लगाओ जोर। NL33 तो उसमें देते हैं बच्चे को जब बहुत ज्यादा मोशन हो जाते हैं ना, तो ये बिल्कुल लैक्टोज फ्री होता है, इसलिए ये बॉक्स जो है मैंने खाली लिया है भाभी से, मैं ये वाला नहीं देती। चलिए पूरा रेडी हूँ मैं। अरे आज के ब्लॉग में आप सबका वेलकम, मैं बता तो दूँ ब्लॉग है क्या। मैं कह रही हूँ पूरा रेडी हूँ, डायरेक्ट मैं नहीं बताऊँगी, मियाँ जी बताइए, बताइए मियाँ जी का भी बिजी है। इतना तैयार शेयर हो के बैठे हुए, ये स्कूल से अभी आए हैं डायरेक्ट और ऐसे ही रेडी हैं, मैंने इनको खराब भी नहीं होने दिया। बेटा मैं खराब होता भी नहीं। अच्छा तो जैसा कि आप सबको पता है कराची जा रहे हैं मियाँ जी और मैं, ये मैं ब्लॉग एंड में बताती हूँ कब जा रहे हैं। फाइनल रिवील कर रहे हैं हम ब्लॉग के एंड में। बाकी शाहजेब जो है अभी अपनी नानी के घर जा रहे हैं, जैसे कि आज संडे है, ये रिवायत है नानी के घर जाने की। तो शाहजेब का सामान इसमें ही था, पहले आप ये रखें, ये बैग खाली है इसमें रख सकते हो, लेकिन टाइट बंद करके। इस बैग में जगह है, इन दोनों में बोतल आ जाएगी इसमें जी, लेकिन टाइट बिल्कुल बंद, कपड़े वगैरह गीले नहीं हो जाए। आपकी वो वाली भी आ सकती है, एक कोका कोला वाली। शाहजेब का पानी ना साथ लेकर निकलना पड़ता है, ये कोई और पानी सूट ही नहीं करता है इसको। ये लो अम्मी के घर बोरिंग का है, यहाँ पे वाटर सप्लाई का, इसलिए हीटर बंद कर दो जी, हीटर बंद कर दें। तो हम नानी के जा रहे हैं, ये शाहजेब का खिलौना, शाहजेब का बैग और वो मेरा बैग, और ये शाहजेब और ये मेरे मियाँ। एक इसमें आ जाएगी, बाकी एक जो है वो आप हाथ में ले सकते हैं, एक रह गई बाकी, वैसे वो भी आ जाएगी वो वाले में, लेकिन फिर बैग नहीं फट जाए वजन से। तो बस पैसों की कमी है क्या? तो पैसों की कमी की बात नहीं है, सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। नहीं पानी नहीं गिरेगी तो खैर सूख जाएंगे, वहां भी जाए धूप ही निकल जाएगी तुम्हारे घर के वहां। ठीक है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मैं आप लोगों को दिखाती हूं अपना पूरा ड्रेस, ये देखिए पहचान तो गए होंगे, मेरे वो वाला शादी का ड्रेस, तो कपड़े वो वाले है ना मेरे, क्या कहते हैं शादी वाले जहेज वाले, तो मुझे ये पहन के ना, नहीं ना मेरी दुल्हन वाली वाइट साड़ी थी, तो मैं मेकअप कब भी करके बैठ गई साथ में। नहीं ना मेरी दुल्हन के साथ एक बच्चा साथ। चले बेटा जी हाँ चलिए चलिए, अब हम लोग निकल रहे हैं। ठीक है बातें बहुत हो गई, चैनल को सब्सक्राइब कर दे अब जल्दी से जल्दी से जल्दी से, बेल आइकन भी प्रेस कर दे, और अब हम निकल रहे हैं मिलते हैं आप लोगों से अम्मी के घर। सो मैं अम्मी के घर पे आ गई हूँ, मिलते हैं अम्मी के घर वालों से। भैया लो भैया, तो ऐसे शर्मा गए लड़कियों की तरह। क्या हो गया है, पेपर्स हो गए अभी तक हो रहे हमारे, मैथ्स पढ़ रहे हो? चलो ठीक है पढ़ो यार, हम चलते हैं अगले पार्टी की तरफ। अरे 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 अगली पार्टी क्या कर रही हो भाई? अरिबा क्या कर रही हो? केक बना। अरिबा स्मेल आ रही है जलने की? नहीं ना ऐसे ही आती है, आपको नहीं पता है? मुझे नहीं पता, अरिबा जलने की स्मेल आ रही है, अभी जला था ऊपर की लेयर, पहली बार स्मेल है। ओ पहली बार बना रही हो ना, देखते हैं भैया क्या बना रही है, स्मेल आ रही है मुझे तो फुल जल देंगे। हाँ, अरे भाई स्ट्रेटनर देना मुझे, लट स्ट्रेट करनी है, पैसा ही लगेगा, लाइट जाने वाली है, लाइट जाने वाली है, मुंह करके फुल स्ट्रेट होगी ना, पैसा ही लगेगा। चलो भैया अरे भैया केक बन रहा है यहाँ पे,
ये सेट किसने किया है? मैंने कुछ किया? कुछ किया है? खराब मत कर देना ओवन, देखते भाई क्या तैयार हो रहा है तुम्हारा। केक बन रहा है, खोल लूं? जल गया था अभी। शाहजब को दिखाते हैं, शाहजब थोड़ा थोड़ा रो रहा है, शाहजब रास्ते में रोने लग गया था तो फिगर नहीं दिया ना। बाकी अम्मी क्या कर रही है? ये तो अपना मुंह छुपाती है यार, वो कल देख चीज ला दी थी अम्मी ने, कहा सही हो साफ हो जानी चाहिए। देखती जल्दी अम्मी मुझसे भी कहती थी साफ हो जानी चाहिए, मैं एक बार साफ करके रख देती थी फिर एंड टाइम पे अम्मी धो लेती थी। अच्छा, एक दो बार मैं करती थी, नहीं होती थी, आप भी एक दो बार करो फिर रख के भूल लो। मुझे नहीं आती है बेकिंग वगैरह कुछ भी, सॉफ्ट हो रहा है लेकिन बन ही नहीं रहा है। मियाँ जी को आती है बेकिंग, वो आए ना फिर बनाते, ऐसे शौक से बनाएंगे वो। हाँ उन्हें आती है, उन्होंने केक बनाया है। हाँ शाहजब रो रहा है, मैं उसको चुका। फिर भी अम्मी को नहीं पता ना केक खराब हो गया, दिखाना जरा केक देना। चलो भैया अरिबा मैडम, ये क्या अरिबा, ये क्या ये अनाइट रही ना, कच्चा रही है। अच्छा तो ऊपर से इतना मिक्स कर रही हूं इसको, मिक्स कर से क्यों रहे को, और ये क्या मिक्स कर दूं, ये किसने बनाया? अब मैं इतना ही खाती हूँ। किसने बनाए? आप मुंह से अंदाजा लगा सकते हैं किसने बनाया। फरिया नहीं, फरिया मुझे भी निकाल कर दो, गरम गरम अच्छा करके अब ओवन में डाल दूंगी, नीचे से पक ही नहीं रहा। थोड़ी सी हमारे घर तबाही हो जाती वो देख के। अरिबा नहीं है ना, डिस्ट्रॉय कर दो बस, खराब हो गया। क्या हो गया अम्मी ने? खराब हो गया, देखू मैं खा के तो देखू। ये तो सही है, जो घी नीचे से नहीं बना ऊपर से बन गया है। अरिबा क्या है इतना दांतों में चिपक नहीं रहा हूँ, तू घर से खा लो। क्या कर रही हो अभी इसके साथ? इसको बना के रखूंगी, कच्चा फिर से हो रहा है ना, ये फिर चल जाएगा, लाइट आ गई ना। बर्तन के नीचे ना वो भी लगाते हैं पंखा, नहीं बटर लगाते हैं शायद। मियाँ जी ने बनाया तो था एक बार, लगाया था तूने? मुझे कुछ भी नहीं आता, मैंने उतारा ही अभी। मैंने केक खाया आपने आगे नानी के घर पे, आप खुश ज्यादा है बिल्कुल फायजा जैसा है, जिसकी गोद में ना बिल्कुल वैसा ही है शक्ल में भी, और डकारे ले रहा है। अभी इतना ऐसे मैंने केक खा कर क्राम याम याम। अजब का खिलौना है यहाँ पे सेट है। रास्ते में शायद मुझे अच्छी खांसी लग गई है, सर्दी खांसी बंद ही नहीं। अब हम यहाँ पे नोट फरमाएंगे चाय। शाहजब को झूला था, फरिया रो रहा है। अल्लाह अल्लाह शाहजब शाहजब। गाइस नाउ दिस इज द एंड ऑफ द व्लॉग, और मैं आपको बता देती हूँ कि आज है संडे, कल मंडे है, तो मैं कल सुबह सुबह जो है निकलूंगी और कराची के लिए मैं और मियाँ जी सुबह सुबह निकलेंगे, इसलिए मैं शाहजब को यहाँ पे छोड़ने के लिए आई हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से कहाँ पे मिलूंगी, किस जगह पे मिलूंगी? अपने नाजरीन से, हाँ लेकिन खवातीन नाजरीन से, फैमिली नाजरीन से। तो वो मैं वहाँ मिलूँगी, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, अपनी बता दूँगी कल दोपहर तक ही अपनी यूट्यूब की कम्युनिटी की टैब में, ठीक है? मेरे यूट्यूब चैनल की जो कम्युनिटी टैब है ना, मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख लेगा कि मैं किस टाइम और कहाँ पे जो है मिल सकती हूँ, ठीक है? और उसके अलावा बस इस व्लॉग का हम कर देंगे यहीं पे एंड। मियाँ जी आते होंगे मुझे लेने, मैं घर जाऊँगी और थोड़ी सी तैयारी जो रहती है मेरी, कुछ लेक्चर्स वो मुझे सुनने हैं, वो तैयारी पूरी करते हैं और कल सुबह की भी तैयारी करते हैं। सुबह इंशाल्लाह 6 बजे तक हम निकल जाएंगे यहाँ से, फिर टेस्ट देना है, कराची पहुँचना है। क्लिफ्टन में है कोई सेंटर, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वालों का, वहाँ पे टेस्ट देना है और फिर उसके बाद जो है आप लोगों से मिलेंगे। तो इस चैनल को अब हम मैं कहने वाली थी, इस चैनल को अब हम यहीं पे एंड करते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, इस व्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। बाय।